क्या एम शिक्षा मित्र के शिक्षा सेतु ऑप्शन से आप अपना समर्थन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं किंतु आपके मोबाइल में ऐसी एरर आ रही है फेल वायलेशन ऑफ यूनिक की, तो आखिर ऐसी एरर आती क्यों है और इसे हम कैसे दूर करें? जी हाँ, नमस्कार, मैं जय रहिया और आज हम देखेंगे कि एम शिक्षा मित्र के शिक्षा सेतु ऑप्शन से अपना समर्थन फॉर्म भरते समय ऐसी एरर आखिर आती ही क्यों है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर एवं नीति आयोग के सदस्य श्री अंशुल सांघी जी ने हमें बताया कि ऐसी एरर तीन कारणों से आ सकती है। पहला कारण आपने बताया कि यदि शिक्षक दिन में एक से अधिक बार अपना समर्थन फॉर्म सबमिट करता है तब ऐसी एरर आती है। मतलब यदि आज आपने 10 बजे सुबह अपना समर्थन फॉर्म सबमिट किया है तो इसे अगले दिन सुबह 10 बजे या 10 बजे के बाद ही आपको सबमिट करना होगा। दूसरा कारण आपने बताया कि समर्थन फॉर्म भरते समय जो साप्ताहिक और मासिक जानकारी है उसका डेटा में अंतर होने के कारण भी ऐसी एरर आ सकती है। अर्थात आपने साप्ताहिक और मासिक जानकारी का जो डेटा कल फिल किया था वही डेटा आज आपको फिल करना है, यदि उसमें अंतर आएगा तो आपकी ऐसी एरर आ सकती है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण आपने बताया सर्वर की समस्या के कारण भी ऐसी एरर आ सकती है। हो सकता है कि आपने सबमिट किया है, आपके पास ऐसी एरर तो आ गई है किंतु आपका समर्थन फॉर्म सबमिट हो गया है, तो आप एक बार हमारा घर हमारा विद्यालय में जाकर अपना समर्थन फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है आप वो चेक कर लें। तो देखते हैं कि हम अपने समर्थन फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है उसे कैसे चेक कर सकते हैं। देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। एम शिक्षा मित्र के शिक्षा सेतु ऑप्शन पर अपना समर्थन फॉर्म सबमिट करते समय कुछ शिक्षकों के मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार का एरर मैसेज आता है, फेल वायलेशन ऑफ यूनिक की। ऐसी एरर क्यों आती है इसके तीन कारण अभी हमने जाने, उसमें से तीसरा कारण सर्वर में त्रुटि होना भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने सबमिट आंसर पर क्लिक किया और आपके पास में ऐसी एरर आ गई किंतु आपका समर्थन फॉर्म हो सकता है सबमिट हो गया हो, तो उसे आप एजुकेशन पोर्टल के हमारा घर हमारा विद्यालय वाले ऑप्शन से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कीजिए एवं इसके एड्रेस बार में आपको टाइप करना है educationportal.mp.gov.in। आप देखेंगे कि हम एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर आ गए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है हमारा घर हमारा विद्यालय, हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमें इस ऑप्शन से लॉगिन होना है। यहां पर यूनिक आईडी और पासवर्ड और फिर इसके बाद में लॉगिन। लॉगिन करने पर हम माय होम पर आ गए हैं, चूंकि हमें हमारा घर हमारा विद्यालय होम पेज पर जाना है तो उसके लिए आपको इन थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहां से आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है चूंकि आपने अभी पेज को विजिट किया था। ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हम हमारा घर हमारा विद्यालय वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, फिर इसमें देखेंगे आप रिपोर्ट प्रारूप बन, हमें इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्कूल वार सर्वेक्षण रिपोर्ट, हमें इस पर क्लिक कर देना है और जिस स्कूल की हमें रिपोर्ट देखना है वो सिलेक्ट करेंगे। हम सबसे पहले स्कूल का प्रकार देख लेते हैं, चूंकि जो स्कूल जिसमें एरर आ रही थी वो 1 से 8 वाला स्कूल था। फिर इसके बाद में जिला, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं। फिर ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद में जन शिक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लीजिए और फिर स्कूल, जिस स्कूल में आपको अपनी रिपोर्ट देखना है वो देख सकते हैं, क्योंकि जो हमने अभी स्क्रीन में देख रहे थे वो माध्यमिक शाला मोहली की रिपोर्ट थी, वहां पर सबमिट फॉर्म नहीं हुआ था, तो हुआ या नहीं अब देखेंगे हम। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर रिपोर्ट शो हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल में कुल शिक्षकों की संख्या 4 और शिक्षकों की संख्या जिनके द्वारा जानकारी दर्ज की गई है 4, मतलब 100% शिक्षकों ने यहाँ पर जानकारी सबमिट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट जांच कर सकते हैं कि हमारा समर्थन फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा होता है कि एम शिक्षा मित्र में एरर आ जाती है किंतु यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म सबमिट हुआ है।
वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।